हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज आयशा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, तो बुखार हुआ है आयशा को। तो मेरे को कह रही थी कि मुझे गोद में बिठा के मुझे ऐसे ऐसे प्यार करो जैसे आप बचपन में करते थे। मतलब बहुत छोटी थी मैं तब करते थे, तो मैंने भी गोद में बिठाया उसे, ऐसे प्यार दिया। उसे नहीं पता मैं वीडियो कैच कर रही थी, और बहुत ही प्यारी वीडियो। तो ये मैंने कर ली है प्लेट रेडी। अब मैं आशा को कुछ एप्पल दूंगी, वो उससे सारे नहीं खाए जाएंगे तो थोड़े से हम भी खा लेंगे साथ में। आशु टेक, कैन टेक वन? ईट बेटा, ईट सम एप्पल, ईट एंड केक ईट। ओके। अच्छा, वैसे चीज जितनी भी घर पे आए ना, इतनी ज्यादा खाने को मन नहीं करता। कभी थोड़ी थोड़ी आए तो अच्छी लगती है। तो आपको मैं चीज दिखाती हूँ, रोक्सी देखे कहाँ सो रही है, कैसे सो रही है। आधे नीचे लटकी हुई है, आधे नीचे लटकी, आधे ऊपर लटकी, कैसे सो रही है मेरा बच्चा। सो जा सो जा सो जा, उठ जाइए। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बारिश बारिश का मौसम हो रखा है। अभी यार बारिश ही होनी है, अभी बारिश होनी है क्योंकि अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर हो गया ना, अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में तो बारिशें होती हैं। पिछली बार तो मैं सितंबर में इंडिया में थी तो बहुत बारिश यहाँ पे हो रही थी। इस बार मैं हूँ यहाँ पे, बट कल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बाहर बहुत अच्छा वेदर आ रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, बच्चों को भी खेलने में आसानी हो रही है। तो आप कौन कौन सी कंट्री से हैं ये भी बताएं, आपके वहाँ पे मौसम कैसा है ये भी बताएं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक फ्रेंड है पुणे से, वो बताती है उनके वहाँ पे तो गर्मी होती ही नहीं, 2400 घंटे, मतलब 24 क्या बोलते हैं, 12 मंथ, हाँ 12 मंथ ही वहाँ पे सर्दी ही रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो वो लोग यहाँ पे आए तो आके बीमार हो गए, फिर वापस चले गए। तो पुणे में मौसम हमेशा अच्छा रहता है, यहाँ पे अच्छा है। अभी रात को किया था आयशा का फीवर चेक, अच्छा हुआ। मैं थर्मामीटर काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ मिल गया। तो रात को मैं काफ़ी देर से ढूंढती रही थर्मामीटर अपने पास हो ना, क्या हो जाता होता ना, बच्चे का जो फीवर वीवर का ना आइडिया हो जाता है कितना है क्या है। तो फिर मैंने देखा था 38.8 चल रहा था, तो अभी तो काफ़ी ठीक है। और ये देखिए एक चीज़ दिखाऊँ आपको, हमारे वहाँ पे जो हम छोटे होते थे, ओके आई एम कमिंग, तो हमारे जब छोटे थे तो कैसी कैसी रेजर आती थी ना, ये देखो इनकी रेजर कितनी प्यारी है। हमारी भी आती थी, मेरी खुशबू वाली ऐसी रेजर आती थी, बस उसे खुशबू ही आती थी, वो नहीं होता था, इरेज नहीं होता था। तो मैं सोच रही हूँ यार क्या करूँ, काम बहुत करने वाला, बहुत सारा कपड़े पड़े हुए हैं मेरे आयरन करने वाले। ये देखिए कितने सारे, मेरी अलमारी दिखा दी, मैंने अलमारी का क्या बनाया हुआ, पूरा गंद फैलाया हुआ मैंने अंदर पूरे उसके। ये एक्चुअली ये जो अलमारी है ना, ये है स्टोरेज अलमारी, स्टोरेज अलमारी, स्टोर बनाया हुआ मेरा पूरा अंदर। तो इसके कपड़े निकालते हैं अभी, मैं क्या करूँ, बहुत कपड़े यार आयरन करने वाले पड़े हुए, कितने टाइम हो गया। रोज सोचती हूँ थोड़े 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 मार लेती हूँ, पर कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं ना, क्या करूँ। वॉश करने वाले इतने होते हैं, धुल धुल के कितने होते हैं। आज निकालती हूँ हस्बैंड की टी शर्ट, शर्ट ही नहीं मिल रही सारी, तो मैंने अंदर घुसाई सारी, तो मैंने अंदर घुसाई हुई है। तो अभी इनकी टी शर्ट निकाल ली है मैंने, और जितने होते हैं उतने निकाल के आयरन कर लेते हैं। देखो इतने तो धोबी ना, धोबी ना आयरन करे कपड़े, देखो जितने कपड़े मेरे पास पड़े आयरन करने वाले, इतना कपड़ यार वीडियो में कितने छोटे थोड़े से लग रहे, काश असलियत में भी थोड़े से ही लगते, इतने ज़्यादा कपड़े हैं। तो कल हम शायद जाएंगे घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ, मैंने सोचा है, प्लान बनाया है कि जाऊं। तो आज के एंटरटेनमेंट में है निया शर्मा, बात करते हैं निया शर्मा की। निया शर्मा ने बिग बॉस का जो शो है वो नहीं किया, और निया शर्मा ने ये भी कहा है कि बिग बॉस के शो में मुझे मतलब अप्रोच तो किया गया था, बट वो मैंने कुछ आगे से कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं की, तो उन्होंने मुझे मुझसे भी बातचीत नहीं की, मुझे पूछा गया भी नहीं कुछ। तो मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, कोई मुझे करे, कोई मुझसे पूछे, कोई मुझे क्या करे, कोई मुझे कैच करे कैमरे में, वो सब उनका होता है, मेरा कुछ नहीं होता। और निया शर्मा ने कहा है कि उन्होंने मांगी ही, माफ़ी भी मांगी, किससे मांगी आपको बता देते हैं। निया शर्मा ने जब
भी लाफ्टर शेफ किया। तो निया शर्मा को जब अप्रोच किया गया था तो निया ने कहा हमारे कुछ 6 मेंबर थे तो ऐसे करके हम लोगों ने बातचीत की है जूम पे, और मेरा मुंह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था, मुझे बिल्कुल भी शो पसंद नहीं था, ऐसा लगा था लाफ्टर शेफ भाई मेरा क्या उसमें काम है, तो कुछ भी नहीं है। तो निया शर्मा ने वो भी किया बहुत अच्छे से। और जो सुदेश लहरी है, सुदेश लहरी को काफ़ी लोग आप लोग जानते होंगे, कहीं नहीं भी जानते, कृष्णा सुदेश और कृष्णा सुदेश ही आता था उनका नाम भी, यस कृष्णा जो है गोविंदा के भांजे उनका, और सुदेश लहरी दोनों का जो सफ़र है, जो जर्नी है स्टार्ट हुई थी यहाँ इंडस्ट्री की, दोनों की इकट्ठे ही हुई थी पंजाबी कॉमेडी में, और उसके बाद भारती सिंह आई थी, तो फिर बहुत ही अच्छा से इनका चल रहा था। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सुदेश लहरी जी का काम थोड़ा सा डम हो गया, तो वो चला नहीं अच्छा, डल हो गया सॉरी, तो चला नहीं अच्छा। तो कृष्णा सुदेश को देख के तो निया ने कहा कि मैं इनको, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा लगा कि यार ये क्या है, मैं तो चिल्ला पड़ी उनके ऊपर, बट जब मैंने फर्स्ट शो किया तब मुझे पता चला कि हाँ ये शो तो इतना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं हर शो में उनके आगे हाथ जोड़ती और उनको बोलती आपका बहुत बहुत शुक्र है आपने मुझे शो दिया ये वाला, और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हर शो में उनसे माफ़ी मांगती रही कि मैं, मुझे पता नहीं था ये शो ऐसा शो है कि मेरा पार्टनर मुझे सुदेश लहरी मिला तो मुझे बहुत। तो निया ने कहा कि मुझे जैसे जैसे मैं शो करती गई मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, और मुझे लगा कि अगर मैं इसमें नहीं होती तो मेरा क्या होता, मतलब लाफ्टर शेफ मेरे लिए बेस्ट शो है। और अगर आप ही निया के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, व्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, छोटे छोटे व्लॉग्स होते हैं, बड़े बड़े भी मैं कभी डालती हूँ जब मैं कुकिंग कुछ करती हूँ, जब छोटे छोटे डालती हूँ तब ऐसे ही जो डेली की रूटीन होती है वो बना के डालती हूँ। तो बने रहिए सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।